जय हिंद, गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो आज का सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे हमारा है, टेक्स्ट नाउ से यूएसए का नंबर या कनाडा का नंबर कैसे निकालें। तो सिंपल से सबसे पहले क्या करना है आपको, ना कोई जीपीएस लगाना है, ना कोई आपको वीपीएन लगाना है। आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा, सिर्फ आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक से आपका पूरा लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक वर्चुअल और यूनिक सा एकदम यहाँ पे ईमेल रखना है, ईमेल नहीं google.com करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर कर ने बोला था यहाँ पे टेक्स्ट नाउ वर्क नहीं कर रहा है, जो कि मेरी फ्रेंड है, और उसने बोला कि यहाँ पे टेक्स्ट नाउ वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं बोला अच्छा रुको, मैं अभी नंबर निकाल के दिखाता हूँ। तो जस्ट मैंने उसको दिखाने के लिए मैंने बोला डायरेक्ट मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं mistaker0007@google.com में डाल दिया एकदम वर्चुअल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एकदम वर्चुअल यूनिक सा पासवर्ड डालना है, ठीक है, एकदम रैंडम डालना है, रैंडम पासवर्ड, रैंडम ईमेल, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे थोड़ा देर आपका सिंकअप लेगा। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, नॉट नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद स्किप कर देना है, फिर से आपको नॉट नाउ कर देना है, फिर आपको स्किप करना है, अगेन आपको दो बार यही सेम प्रोसेस करना है। जैसे आप यहाँ पे स्किप करोगे देख सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे जैसे स्किप करोगे आपको एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यूज़ माय लोकेशन, क्या करना है, यूज़ माय लोकेशन पे क्लिक कर देना है। यूज़ माय लोकेशन जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके करना है, फिर से ओके करना है। अब यहाँ पे आपका प्लीज़ वेट लिख कर आएगा, उसके बाद आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग नंबर का स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए फुल टू फुल मेथड आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कनाडा का, कनाडा यूएसए कहीं का भी आपको एक क्या डालना है, एरिया कोड डालना है। अब यहाँ पे गेटिंग फ़ोन नंबर से ऑलरेडी आपको एक दे दिया गया है, ठीक है, एरिया कोड दे दिया गया है। अब यहाँ से हमारा जो एरिया कोड दिया गया है इसको हम चेक करेंगे, हमारा जो एरिया कोड है ये वर्चुअल है या नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा नंबर जो फ्री यहाँ पे हमें व्हाट्सअप क्रिएट के लिए और टेलीग्राम क्रिएट के लिए अवेलेबल है कि नहीं। सबसे पहले अपने दूसरे फ़ोन में चला जाऊँगा और वहाँ से चेक कर लूँगा कि हाँ ये नंबर हमारा जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी ऊपर वाला आपका कनाडा निकलता है, नीचे वाला आपका यूएसए, कभी ऊपर वाला यूएसए, कभी नीचे वाला यूएसए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में एक के बजाय दूसरा वाला यहाँ पे चूज़ कर लिया था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल से चले जाना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, कट कर लेना है, उसको कंटिन्यू करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, कभी कभी लास्ट के या बीच की वजह से आपका कनाडा से यूएसए हो जाता है, बट यहाँ पे हमारे जो नंबर निकला है वो कनाडा का निकला है। अब देखते हैं हमें यूएसए का नंबर मिलता है या कनाडा का निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना व्हाट्सअप का डाटा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरा डाटा पहले से मैं ऑलरेडी व्हाट्सअप क्रिएट करके रखा हुआ था, डाटा क्लियर करना भूल गया था। तो कभी भी आप यहाँ पे टेक्स्ट नाउ अगर यूज़ करना तो सबसे पहले उसका डाटा क्लियर कर देना, ताकि आपको कोई एरर प्रॉब्लम ना आए। अगर यहाँ पे आप डाटा क्लियर नहीं करते हो तो आपको एरर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे बैक हो गया, मतलब अगेन चला जाता हूँ और यहाँ पे इसका डाटा क्लियर कर देता हूँ। तो आपको इसी तरह, अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो आपका इसी तरह डाटा क्लियर होगा, वरना और कोई फ़ोन है तो आप डायरेक्टली डाटा क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे डाटा क्लियर कर दिया, अब हम चले जाएंगे अपने व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल मी पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे चले जाना व्हाट्सअप पे और सिलेक्ट कंट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको एक मेंशन किया हुआ होगा यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे करने के लिए, चूज़ आ कंट्री। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कनाडा चूज़ कर लेना और आपको नंबर पेश करके देख लेना है। यहाँ पे नंबर पेश करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिख कर क्या आता है, नॉट वैलिड योर मोबाइल नंबर दिस द कंट्री, कनाडा कंट्री, ठीक है, कंट्री कनाडा, तो कनाडा का नंबर नहीं है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, कनाडा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कनाडा के ऊपर क्लिक करोगे आपको सारा कंट्री आ जाएगा, ठीक है, और जितने भी कंट्री है वो कंट्री आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट हमको चूज़ कर लेना और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर यूनाइटेड स्टेट का नंबर होगा और वर्चुअल होगा तो हमारे काम का नंबर रहेगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू करने बाद देख सकते हैं यहाँ पे नंबर हमारा अवेलेबल है। यहाँ पे सिंपल से ओके पे क्लिक कर देना है, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे ओके फिर से आपको कर देना है। अब यहाँ पे आपको कॉल मी का ऑप्शन एक हावर्स बाद बोल रहा है, फिर भी आप यहाँ पे कॉल मी पे क्लिक करते हैं तो कॉल आपके पास रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको तीन मिनट दिखा रहा है। अब यहाँ पे रिसेंट SMS जैसा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो जो आ रहा था वो बंद हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको एक बार में कॉल नहीं आती तो आप समझ जाना आपने कुछ गलतियाँ किया है। तो जैसे कि मैंने जो गलतियाँ की आपको मैं बता देता हूँ, ऐप से चले जाना है, डाटा क्लियर करने के बाद हमने ये गलती ज़रूर करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐप्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्या टेक्स्ट नाउ में जाना है। आपको टेक्स्ट नाउ पे चले जाना है, टेक्स्ट नाउ पे देख सकते हैं हम चले गए। अब यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, आपको यहाँ पे
परमिशन पे चले जाना, परमिशन में जाना, आपको सब कुछ परमिशन दे देना, सारे परमिशन आपको दे देना। आप चाहो तो कैलेंडर का दो और कैमरा का ना दो, ठीक है, कैमरा और कनाडा का ना, कैमरा और कैलेंडर का ना दो, ठीक है, सॉरी गलती से निकल गया, क्योंकि कनाडा का नंबर बहुत निकलता रहता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमें 2 मिनट बचा हुआ है, तो 2 मिनट में आपको वो चीज़ बता देने वाला हूँ जो आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको इस अब बताने वाला हूँ। आपको सिंपल सा बैक आ जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अभी हमें 1.5 मिनट तक बचे हुए हैं, तो वीडियो बंद करने से अच्छा हम आपको वही टॉपिक बता दें जो हमने अभी आपसे इनविजुअल रखा है, जो छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो मेन टॉपिक होता है। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं, बैक आ जाते हैं और आपको बैक आके मैं सब कुछ सेटिंग करवा देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पर सिंपल सा आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है, आपको कोई भी ब्राउज़र हो आपको उसमें चले जाना है। सिंपल से इसको रिमाइंडर पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देख सकते हैं कनाडा टाइम एंड डेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टाइम और डेट है, यहाँ पे कनाडा से दूसरे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर वाला जो कंट्री है कनाडा का, इससे मिलता जुलता है, ठीक है, एकदम मिलता जुलता है, ठीक है। हेलिफैक्स, ठीक है, हेलिफैक्स नाम है, हेलिफैक्स नाम का यहाँ पे हमारा वहाँ का जो सिटी है वहाँ से हमारा टाइम एकदम सेम टू सेम मैच करता है। कुछ सेकंड नहीं मैच करता, तो आपको मैं सिंपल सा फिर से एक बार रिफ्रेश करके आपको मैं दिखा देता हूं। और यहां पे देख सकते हैं हमारा एकदम मैचिंग होगा। अब यहां पे फिर से यहां पे रिफ्रेश कर देता हूं, अब देख सकते हैं हमारा टाइमिंग और यहां पे दूसरे नंबर वाला हेलिफैक्स नामक जो सिटी है उसका सेम टू सेम मिल रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा 13 सेकंड बचा हुआ है, तो 13 सेकंड तो हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉल मी दोबारा करेंगे। आपको रिसेंट SMS नहीं करना है, वरना आपको कोड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कॉल मी से कोड मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा कॉल मी का ऑप्शन इनेबल हुआ, रिक्वेस्ट आ कॉल मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हमें कॉल का ऑप्शन मिल गया है। अब कॉल का ऑप्शन मिल चुका है तो हम करेंगे क्या, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आंसर का ऑप्शन आएगा, आपको आंसर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आंसर पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पीकर पे कर देना है, स्पीकर पे फ़ोन कर देना ताकि आपको लाउडली आवाज़ एकदम सुनाई दे। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, 5 जो आपको बोला जाए OTP वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और आपका यहाँ पे नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, आपका WhatsApp वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप यहाँ कट करोगे आपको रिडायरेक्ट करेगा टेक्स्ट नाउ पे, आपको बैक आ जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपको एक्सेस मांगेगा, आपको सारे एक्सेस देने के बाद आपको थोड़ी देर लुकिंग फॉर बैकअप, आपको ऐसा थोड़ा यहाँ पर लोडिंग वगैरह लगेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ी देर आपका यह प्रोसेसिंग चलेगा, प्रोसेसिंग के बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके फिर से वहीं जहाँ से आपको यहाँ पे लोडिंग पे लिया था। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप वो नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा इंडियन ट्रिकर 007 या आयु डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी नाम डाल सकते हो, अपना रैंडम सा नाम कोई भी डाल सकते हो, और सिंपल सा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे थोड़ी देर यहाँ पे लोडिंग लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा भी लोडिंग लिया था काफ़ी देर के लिए, तो यहाँ पे लोडिंग लेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग के लिए मैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, और आप इसको यहाँ पे ट्राई करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी यहाँ पे हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो काफ़ी ओपी वाली है, ठीक है। तो आपको सिंपल से इस वीडियो मैंने सब कुछ बता दिया, और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, और कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई कमी होती है और आपको एक्स्ट्रा कोई और टॉपिक चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, वीडियो के कमेंट में मैं आपका वो टॉपिक जल्दी से जल्दी लाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर लेता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं पॉज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा WhatsApp रेडी हो गया। अब आपको देख सकते हैं सेम टू सेम नंबर है, आप मिला लेना, जो हमारा नंबर निकाला गया था सेम टू सेम नंबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ओपी वाली होने वाली है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आने वाली है, शॉर्ट वीडियो का ट्रिक भी आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय भाई लोग।